रोनी हाय नहीं बोल रहा है और अपने बाल भी नहीं बना रहा है। हाय हाय, सबसे पहले नोनी बोलेगा हाय। चलो बाल बनाओ, फिर उठो जल्दी आओ। मैं एक घंटे से 3 कंघियां लेके इसके साथ लगी हुई हूँ और ये बाल ही नहीं बना रहा है। तो इतनी गर्मी हो रही है, वैसे भी ना खुले बालों में गर्मी होने लगती है। मैं भी अपने बाल बना रही थी अभी और नोनी को भी तैयार कर रही थी। सुबह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, मैंने सोचा बनाता है। सुबह से थोड़ा लेथार्जिक हो रहा था। और एक हाँ, और एक बात शेयर करनी थी कि नोनी को कल रात से फीवर आना स्टार्ट हो गया है। कल शाम से ही गर्म लग रहा था, कल शाम को भी लग रहा था। और उसके बाद फिर मैं उसको पार्क वार्क लेके गई और कल मैं व्लॉग भी एंड नहीं कर पाई कल का, ऐसे ही हो गया। फिर उसके बाद घर पे आने के बाद खाना वाना खिलाया उसको, फिर इसको फीवर था 101 102। तो फिर मैंने इसको मेडिसिन दी और मेडिसिन देने के बाद ठीक हो गया था। और करीबन सुबह 5-6 बजे फिर इसको दोबारा फीवर आया है। थोड़ी सी कोल्ड स्पंजिंग की, उससे भी ठीक नहीं हुआ। फिर मेडिसिन दी, उससे ठीक हो गया था, उतर गया था बुखार। अभी तो टचवुड अभी तो नहीं है, लेकिन 1-2 दिन मुझे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और इतनी जल्दी मैं डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा रही हूँ अभी, क्योंकि फिर होता है ना बच्चों को वही मेडिसिन की हैबिट हो जाती है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अभी, हो सकता है ये पानी वानी का खेल किया इसने। और उस दिन मैं वहाँ लेके गई थी, वहाँ भी बच्चों को भी हो रहा था ना थोड़ा सा, इस वजह से वायरल हो सकता है। और अभी सीज़न ही चल रहा है बच्चों को सर्दी ज़ुकाम वायरल वाला। और ठीक, घर जाने का टाइम आ रहा है और टाइम आ गया एक्चुअली, घर जाने का टाइम आ गया। और नोनी की तबीयत इस तरह से ख़राब, तो हम लोग एकदम कन्फ्यूजन में पड़ गए कि हम इस टाइम पे अब नोनी को लेके जाएं या नहीं जाएं। इतने ऐसे में अगर नोनी की तबीयत ठीक नहीं हुई तो उसको ट्रैवल कराना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि घर पर वैसे ही ठंड है, वहाँ पर अभी थर्मल पहनते ही है लोग। नोनी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तो घर पर तो अभी थर्मल स्वेटर वगैरह पहनाते ही हैं बच्चों को, तो एकदम गर्मी से एकदम ठंडे मौसम में ले जाके फिर वही दिक्कत ना हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। पिछले बार जब हम घर ले गए थे नोनी की एक ऐसी सर्दी जुकाम हो गया था घर जाके, वो 1 महीने तक ठीक ही नहीं हुआ था। तो फिर मुझे वही डर लग रहा है, तो बहुत सोच में पड़ गए हैं। लेकिन फिर यह है कि उसके बाद मिस्टर राउत को टाइम नहीं मिल पाएगा हमारे साथ डेलिया आने का, तो इसलिए हमें जाना ही पड़ेगा। और ये प्रे करूँगी कि नोनी की तबीयत ठीक हो जाए, उसको कोई दिक्कत ना हो रास्ते में, नहीं तो मुझे भी प्रॉब्लम होगी, नोनी को भी प्रॉब्लम होगी। तो बस यही चल रहा था, नहीं तो बस मुझे पैकिंग की तैयारी शुरू करनी है। और आज मुझे मलाई से मक्खन भी निकालना है, नोनी थोड़ा सा मक्खन जम मतलब मलाई जमा करके रखी हुई ना, तो वो मक्खन भी निकालना है। मैंने फ्रीज़र से निकाल तो दिया है, शाम को बनाना है। और मुझे आज टेलर के पास भी जाना है, तो अपने कपड़े लेके आऊँगी मैं। और उसके अलावा नोनी के जो कपड़े ऑनलाइन हमने ऑर्डर किए थे वो अभी तक नहीं आए हैं, पता नहीं उनका क्या अपडेट है, वो कब तक आएंगे। डिलीवरी थोड़ा डिले दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे चाहिए क्योंकि फिर मुझे पैकिंग भी करनी है, मैं पैकिंग करने के लिए भी तो चाहिए होता है। तो अभी देखते हैं, मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें अपडेट करते रहूँगी जैसे, क्योंकि हम लोग खुद ही अभी सोच में पड़ गए। नोनी चलो मैं आपसे बात मत करूँगी, ये ट्राइपॉड के पीछे पड़ गया। तो इसके बाद मैं अपने सूटकेस वगैरह निकालूँगी, क्योंकि बहुत सारा सामान है जो घर लेके जाना है। और जब हम लोग कहीं भी जाते हैं खासकर बच्चे के साथ, और अभी तो हम शादी के लिए जा रहे हैं, तो वैसे ही इतने सारे कपड़े होने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें कपड़ों के अलावा भी, मेकअप होगा और कुछ और एक्स्ट्रा आइटम्स होंगे, तो बहुत सारा आइटम हो जाएगा। इसलिए जो है ना सूटकेस मुझे चाहिए बड़े वाले, और मुझे नहीं लगता कि 2 सूटकेस से कुछ होगा, मुझे 2-3 तो चाहिए होंगे। तो फिलहाल मैं अभी 2 सूटकेस का सेट निकाल रही हूँ, ये हस्बैंड ने लिया था, तो ये निकाल के मैं क्लीन कर लूँगी अच्छे से। और इसके बाद मैं सीधा इवनिंग टाइम में आ गई हूँ। इस बीच मैंने बहुत सारे कपड़े भी निकाल के रखे बेड बॉक्स के अंदर से, लंच बनाया, खाना वाना खाया, उसके बाद नोनी को सुला दिया, क्योंकि फीवर में ऐसा होता है ना, नोनी को ज़्यादा टाइम देती हूँ मैं जब उसकी तबीयत ख़राब रहती है, मैं ज़्यादा अपना काम नहीं कर पाती हूँ फिर, तो यही हो रहा है बीच में। और फिर मैं एडिटिंग भी नहीं कर पाई थी, तो यहाँ पे अभी वो सो ही रहा है, बहुत मुश्किल से मैंने उसको सुलाया था। और इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ और धुले हुए बर्तन सबसे पहले ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और मैंने सोचा था मलाई से मक्खन भी निकालूँगी आज, तो ये मैंने फ्रीज़र से निकाल दिया था। और गर्मी इतनी हो रही है, ये 3-4 घंटे में ही मलाई काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो गई थी, इसको मैं निकाल दूँगी, बाद में ग्राइंड करूँगी जब नोनी उठेगा सोख के। और फिलहाल यहाँ पे धुले हुए कपड़े भी मैं उठा के ले आई थी, तो बस इनको भी मैं लग गया तो फोल्ड करूँगी, और ढेर सारे काम मुझे अभी निपटाने हैं। शाम के 5:15 बज गए हैं और मैं कर रही थी पैकिंग की तैयारी, तैयारी करनी है मुझे, तो मुझे अभी शाम को टेलर के पास जाना है। उसे मैंने बोला था मेरे कपड़े जल्दी तैयार कर देना, तो वो लाना है। बस मुझे नोनी के कपड़ों का टेंशन हो रहा है, उसके कपड़े अभी तक डिलीवर नहीं हुए हैं, पता नहीं कब तक आएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा अगर टाइम से नहीं पहुँचे तो। उसके अलावा पूरा मतलब ये वाला रूम इतना मैसी हो गया है ना, यहाँ मेरे कुछ कपड़े फुटवेयर और
ये नोनी के पुराने कपड़े मैं सोची हूँ घर ले जाऊँगी, अगर बैग में जगह हुई तो, अगर नहीं जगह हुई तो फिर हम दोबारा देख लेंगे, वापस रख दूँगी इसको। और उसके अलावा ये ब्लैंकेट, ये हम लोग जो ओढ़ते थे इसको वॉश नहीं कर पाई मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी है, तो मैंने कहा इसको मैं ड्राई क्लीन करवाने के लिए दे दूँगा, तो ये ऐसे ही रखा हुआ है। पहले मैं सोचती थी ये सब पैक करके फिर जाऊँगी, लेकिन टाइम नहीं हो पा रहा है तो अब इसको ड्राई क्लीनिंग के लिए देना होगा। और नोनी अभी तक सो ही रहा है, उसको ना दोपहर में दोबारा से फीवर आया था हल्का सा, तो उसको मैंने दोबारा मेडिसिन दे दी है। तो मैं एक दो दिन उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ और कल तक देखती हूँ, कल तक अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर मैं इसको लेके जाऊँगी डॉक्टर के पास। और हस्बैंड तो गए हुए आज रायपुर, तो उनकी भी शाम की फ़्लाइट थी आई थिंक 5 बजे की, निकल भी गई होगी, दोपहर से बात नहीं हुई थी मेरी, तो उनके आने का मैं वेट नहीं कर सकती हूँ, तो नोनी को मुझे लेके जाना पड़ेगा कल डॉक्टर के पास, अगर वो मतलब उसका फीवर नहीं उतरता है, बार बार ऐसे आ रहा है ना, और वैसे भी सीजनल चल रहा है, बच्चे बीमार होते रहते हैं ऐसे में, तो मैं देखती हूँ क्या करना है, ऑब्जर्व करती हूँ फिलहाल। तो नोनी के लिए मैंने अनार भी पील करके रख दिया, वो उठेगा तो अनार वगैरह उसको खिलाऊंगी, और उसके बाद फिर जाना है शॉप में और फिर पैकिंग की तैयारी। फिलहाल तो मैंने 2 सूटकेस निकाल के रखे हुए, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये 2 सूटकेस हस्बैंड ने इस बार लिए थे जब घर आने वाले थे उस टाइम, मतलब दीपावली के टाइम पे हस्बैंड ने लिए थे, ऑफ़र में मिले थे ये, तो एक बड़ा एक छोटा, तो इन दोनों में तो शादी के ही कपड़े आ जाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है, और बहुत सारे कपड़े कपड़े इतने, उसके अलावा मेरा मेकअप और फुटवेयर्स हो गए अलग से, घर में पहनने वाले कपड़े अलग, और जैसे हम लोग मार्केट वगैरह जाएंगे उसके लिए कुछ कपड़े रखने पड़ेंगे वो अलग से, विंटर वियर अलग, तो 2 बैगों में तो नहीं आ पाएगा, मुझे 1 बैग और करना पड़ेगा। वैसे 2-3 बैग और रखे हुए हैं उसके अंदर मैंने वहाँ पे, लेकिन वही है ना ले जाने में प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए मैं सोचूँ जितना कम हो सके उतना कम करेंगे लगेज। बाकी ये सारे, ये मेरे शादी वाले आधे कपड़े ये हैं जो वैसे वाले हैं, और जो स्टिच करने को दिए हैं वो अलग आएंगे। और लगता है नोनी उठ गया है, उसकी आवाज़ आ रही मुझे, लुक लुक दिखाओ फीवल कैचा है, नोनी फीवल कैचा है, अभी तो ठीक है। हाय हाय से हाय, नन्ना खुल गई, खुल गई। इसके बाद मैं मक्खन ग्राइंड करूँगी, और नोनी को ये देखना बहुत अच्छा लगता है, तो कुकटॉप के ऊपर ही बैठ गया वो आके, मैंने उसको पीछे बैठाया था लेकिन उसको ये सब देखना होता है ना तो खुद ही आ गया, लेकिन बस ये रहता है कि वो हिलता नहीं है इधर उधर, क्योंकि उसे पता है मैं गिर जाऊँगा चोट लग जाएगी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 5 या 10 मिनट मैंने इसको ग्राइंड किया था, और बहुत जल्दी मक्खन बनके तैयार हो गया, और इसके बाद मैं मक्खन से पानी एक्स्ट्रा निकाल के इसके बाद इसको रख दूंगी गर्म। हर बड़े अजीब सा मौसम हो रहा है आज, एकदम बारिश वाला, और मुझे धूप तो दिख ही नहीं रही है, अंधेरा सा लग रहा है, काश बारिश हो जाती क्योंकि इतनी गर्मी होने लगी है यहाँ पे। बेटा बैठे रहना। तो मक्खन गर्म होने के लिए रख दिया मैंने, और आज दूध हमारा फिर से फट गया, ये भैंस वाला ही दूध पता नहीं क्यों फटता है, आई थिंक एक दिन पहले निकाल के रख देते होंगे ना शायद, फिर से फट गया, मैंने पनीर निकाल लिया इसका, लेकिन इसको छानने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं ये हैंकी का यूज कर रही हूँ, इसे मैं छान लेती हूँ, एटलीस्ट इसका पनीर भुर्जी तो बन जाएगा। और मैं भी उन्होंने कपड़े बना दिए हूँ, वैसे उन्होंने बोला था मैं बना दूंगी, मैं कॉल कर रही हूँ उन्होंने कॉल नहीं उठाया, तो मुझे वहीं जाके देखना पड़ेगा। जितनी देर में खाना बना रही थी इन्होंने की यहाँ अलग ही रेसिपी चल रही है, चाकू पकड़ के कभी कुछ करा जा रहा है, ये लौकी के छिलके दे दिए थे मैंने कट करने के लिए, उनके साथ खेल रहा है। और आज मेरी हालत कैसी हो रही है, गर्मी इतनी हो रही है ना, मतलब यहाँ पागल ही हो रहे हैं गर्मी से हम लोग, तो अच्छा है हम लोग ठंडे एरिया में जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, तो वहाँ इतनी गर्मी नहीं झेलनी पड़ेगी हमें कुछ दिनों तक एटलीस्ट। हाँ तो अभी जो आटा गूंथ लिया मैंने, लौकी की सब्जी बना रही हूँ एकदम सिंपल सी, इतनी गर्मी में ना आजकल भूख प्यास भी नहीं लग रही, भूख ही नहीं लगती है, खाना खाने का मन नहीं करता, दिन में भी दाल बनाई थी, दाल सारी ऐसे ही रखी हुई है, तो अभी यहाँ पे लौकी की सब्जी बना रही हूँ मैं, और टेलर के पास से मैं आ गई थी उसी टाइम 10-15 मिनट के अंदर, तो टेलर के पास तो काम नहीं हो पाया, लेकिन नोनी जो है ना शॉप में घुस जाता है, तो फिर शॉप में घुस के बोले चॉकलेट जूस वगैरह पता नहीं क्या क्या ले लो कहता रहता है, तो फिर एक चीज़ इसको दिलाई बहुत मुश्किल, मतलब तो बहुत ज़्यादा जिद करने लगा आजकल जब से ये बड़ा हो रहा है ना, तो फिर उसके बाद फिर घर आई और टेलर ने बोला कि मैं कल बना दूँगी, उसकी वजह से अब मेरा पैकिंग का काम रुक गया है, अगर मेरे कपड़े आ जाते जो मेन कपड़े हैं शादी वाले वो मेरे पैक हो जाएं तो बाकी छोटा मोटा सामान मैं पैक कर लेती, लेकिन अभी मेरा सारा पैकिंग का सामान ऐसे रखा हुआ है, और काफ़ी सारे कपड़े मैंने निकाल के बेड के ऊपर रख दिए हैं, जब सारा सामान आ जाएगा ना उसके बाद ही फिर पैकिंग करूँगी, और
आज भी नहीं हो पाया मेरा पैकिंग का काम, मुझे कल ही करना पड़ेगा। और नोनी के कपड़ों का भी कुछ नहीं पता है कब आप आएंगे, डिलीवर कब होंगे, वो लेट लेट ही दिखा रहा है डिलीवरी। तो ना मेरे कपड़े हो पा रहे हैं ना नोनी के कपड़े हो पा रहे हैं, तो वो पता नहीं क्या होगा। तो मेरे तो कल तक मिल ही जाएंगे। नोनी का है कि डिलीवरी कब करते हैं वो, और मिस्टर रावत पहुँच चुके हैं रायपुर। तो आज वो कह रहे थे उनकी फ्लाइट जो है पहले रनवे पे आई लैंड होने के लिए, पहले नीचे आए, उसके बाद नीचे आने के तुरंत बाद वो ऊपर चली गई और दोबारा से वो 10 मिनट तक ऊपर ही घूमते रहे। तो आज वो थोड़ा सा डर गए थे, जितने भी पैसेंजर थे ना सब घबरा गए थे कि ये हो क्या रहा है, और एयरलाइंस वाले कुछ क्लियर भी नहीं कर रहे हैं। तो फिर बाद में थोड़ी देर में पता चला कि रनवे पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से फ्लाइट को लैंड करने में प्रॉब्लम हो गई। तो इस वजह से इतना लेट हो गए वो, अदरवाइज वो टाइम से पहुँच जाते हैं, और वैसे ही उनकी फ्लाइट ऑलरेडी लेट थी, आधा घंटा लेट थी उनकी फ्लाइट। तो चलिए अब जो है थोड़ा सा मैं काम कर लूँ अपना, एडिटिंग वगैरह और कुछ कपड़े देख लूँ, बाकी खाना तो हमारा बन गया, रोटी बना लिया। और उन्होंने ने हमारा सेट टॉप बॉक्स वाला रिमोट फिर से ख़राब कर दिया है। पहले तो उस दिन टीवी वाला करा था, वो हमने ठीक कर लिया था, लेकिन अब सेट टॉप बॉक्स वाला ख़राब हो गया, तो उसकी वजह से हम कुछ नहीं देख पा रहे हैं। चैनल्स जो चैनल उस पर आ रहे हैं टीवी पे, सिर्फ वो चल पा रहे हैं, तो कुछ नहीं चल पा रहा है आज हमारा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अब टीवी अब रिमोट बनवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम तो जा ही रहे हैं, कुछ नहीं लग सकता बेटा, अब आपने ख़राब कर दिया है। और इसके बाद फिर अंदर वाले रूम में आ गई हूँ मैं, और नोनी के कुछ कपड़े मैंने अलग से सेग्रीगेट करके रखे हुए थे कि मुझे घर कौन से ले जाने, कुछ पार्टी वेयर और जो मैं आरुक ले लिए थे वो भी, और इसके अलावा इसके थर्मल, एक दो थर्मल गर्म पजामे भी रखने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ मौसम कभी भी चेंज हो सकता है, अगर थोड़ी सी भी बारिश हुई तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। और आपने मेरे व्लॉग्स में देखा भी होगा, लास्ट टाइम जब हम घर गए थे तब भी ऐसा ही हुआ था, तो उस टाइम पे भी मैं गर्म कपड़े इसीलिए ले गई थी, तो काम आए थे, तो अभी भी मुझे रखने हैं। और नोनी के भी इतने कपड़े हो जाएंगे, छोटे वाले सूटकेस में सिर्फ उसके कपड़े कपड़े आ गए, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अभी रखनी है। तो फिलहाल अभी जो मेन चीज़ें हैं जो रखनी थी वो मैंने अभी फ़िलहाल रख दी, ताकि मैं भूल ना जाऊँ। 8:30 बज गए अभी और मेरी अभी तक सब्ज़ी अच्छे से नहीं बन पाई, मुझे दही डाल के बनाना है। तो मैं एक्चुअली नोनी को नीचे मेडिकल से लेके आ रही हूँ, मेडिकल शॉप में गई थी मैं नोनी को लेके, क्योंकि उसने अपने नी में जो है ना चोट लगा लिया है। चोट तो एक्चुअली पहले से लगी हुई थी, इसी जगह पे ये बार बार चलते चलते गिरता रहता है, 2-3 बार गिर गया, और ऊपर से इसमें वो बन रही थी, मतलब क्लॉट जैसा बन रहा था, पपड़ी बन गई थी, लेकिन अभी उसने वो ऐसे करके मतलब खुरच के पूरा निकाल दिया, और पूरा ब्लड निकल रहा है, और आधी साइड की स्किन जो है वो भी निकल रही थी। तो मैं इसको बैंडेज दिला के ले आई, और बैंडेज मुझे लगता है निकाल देगा थोड़ी देर में। अब बेटा ऐसे लगे रहना ना, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, इसमें से हल्का ब्लड भी आ रहा है। तो काफ़ी लेट हो गया, मैं फटाफट से डिनर कंप्लीट करती हूँ, इसको मेडिकल शॉप में लेके जाना अपने साथ, और दिमाग भी आज मेरा काम नहीं कर रहा, पता नहीं। मैं शॉप में गई, उसको मैंने 100 रुपीज़ दिए शॉप वाले को, और उसके बाद फिर मैं वापस आ गया, मैंने खुले पैसे भी नहीं लिए। और जब मैं अपने दरवाजे के पास पहुँच रही तब मुझे याद आया, अरे मैंने खुले पैसे लिए ही नहीं थे, फिर मुझे दोबारा जाना पड़ा। आज मुझे इतनी भाग दौड़ करनी पड़ रही है ना, आज का दिन तो ऐसे ही निकल गया मेरा, खाली फालतू में दौड़ते दौड़ते हालत ख़राब हो गई। तो मैं बनाने जा रही हूँ रोटियाँ, और आज मैंने नेल पेंट लगाई है दूसरे कलर, और उसके ऊपर ये शिमर लगा दिया हल्का सा, अच्छा लग रहा है। और एक तरफ मैंने सब्ज़ी में दही डाल के इसको पका लूँगी, और जब ये अच्छे से बॉईल हो जाती है उसके बाद फिर लास्ट में सॉल्ट ऐड करूँगी। एक तरफ सब्ज़ी बनती रहेगी, दूसरी तरफ मैं यहाँ पे फटाफट से रोटी सेक लूँगी। सिर्फ 2-3 रोटियाँ मुझे बनानी थी, आजकल तो पता नहीं क्या हो रहा है, भूख ही नहीं लग रही गर्मी की वजह से। नॉर्थ इंडिया में अभी प्रॉपर गर्मी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन इधर साइड बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है, जो इधर साइड के लोग हैं वो सब समझ पा रहे होंगे। दोपहर में तो यहाँ कोई निकलता ही नहीं है बाहर, इतनी गर्मी हो गई है। तो फिलहाल यहाँ पे रोटी सेक लूँगी, उसके बाद डिनर बन गया था। तो खाना खाने से पहले किचन में सबसे पहले एक बार क्लीन कर लूँगी, क्योंकि घी बनाया था, घी बनाने के बाद बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, कुकटॉप गंदा हो जाता है, तो काम बहुत सारे हो जाते हैं। तो सब्ज़ी अभी बन ही रही थी, बस मैं यहाँ पे कुकटॉप वगैरह एक बार क्लीन कर लूँगी, ताकि फिर आराम से रिलैक्स होकर मैं खाना खा सकूँ। और बस सारे काम निपटा के और करीबन 1-1.5 घंटे बाद फिर हम लोग आ गए हैं बेडरूम में, आई थिंक अभी 9 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। तो जल्दी खाना खा के हम लोग निपट जाते हैं, मतलब फ्री हो जाती हूँ मैं। और इसके बाद जो है सबसे पहले नेट लगाऊंगी मैं। नेट लगाने में स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कत होती है इसको इंस्टॉल करना, मतलब दो लोग हों तो आप आराम से कर भी लो, जब हस्बैंड घर पे होते हैं हम दोनों लोग मिलके लगा लेते हैं, अकेले आप देख भी सकते हैं कितनी मुश्किल हो रही है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लगाने में। 9:30 बज गए अभी और सारे काम कंप्लीट करके हम लोग आ गए हैं बेडरूम में, क्योंकि इन्होंने ने टीवी का रिमोट तो ख़राब कर दिया है, तो टीवी देख नहीं सकते, तो इसलिए मैं इसको लेके आ गई हूँ अंदर नेट के अंदर। और जब से नेट लगाया बहुत आराम है, टच वुड बिल्कुल भी मच्छरों ने नहीं काटा, और बहुत सुकून की नींद आती है। अभी ये सारे कपड़े मुझे कल मॉर्निंग में वॉश करने हैं,
और बहुत सारी तैयारी करनी है फटाफट। कल मुझे बहुत सारे काम करने हैं। और इसके अलावा देखो मच्छर यहाँ चलते फिरते मतलब घूमते हुए मिल जाएंगे, यहाँ पे आँखों के सामने से ही गुजर जाएंगे मच्छर, लेकिन हाथ में नहीं आते। तो ये रहता है। नोनी को मैंने दूध दे दिया गर्म करके, ये दूध पिएगा। और इसको अभी हल्का सा फीवर लग रहा है, मैं देखूंगी नाइट में अगर ठीक नहीं होता तो फिर मेडिसिन दूंगी। और यहाँ से चांद का बहुत प्यारा सा व्यू दिखता है। अभी तक मैंने जाली वाला विंडो जो है वो लगा के रखा था, और अभी ये देखो वो कितना प्यारा लगता है ना यहाँ से विंडो से, मतलब रूम के अंदर की लाइट बंद कर दो और बाहर चांद को देखते रहो, बहुत प्यारा लगता है। और आज तो एकदम पूरा चांद आया और बहुत ही प्यारा सा रेड रेड कलर का। नेट के अंदर और नेट के अंदर बैठ के आई थिंक मैं पहली बार ही व्लॉग बना रही हूँ। नानी और मम्मा नेट के अंदर बड़ा अच्छा लगता है नेट के अंदर, और मच्छर बाहर ऐसे मतलब घूम रहे हैं ना दुश्मनों की तरह काटने के लिए। तो अभी नानी को मैंने मेडिसिन दे दिया, हल्की सी कोल्ड स्पंजिंग करी, फीवर है इसको अभी। तो देखते हैं यार पता नहीं क्या इसके ठीक टाइम मतलब टाइमिंग ऐसी रही। हम लोग कब से एक्साइटेड थे घर जाने के लिए, कब वो दिन आएगा घर जाएंगे। सारी तैयारी करूँगी, दो तीन दिन पहले से सोच के रखा था, लेकिन जो भी हम प्लान करते हैं कभी हो ही नहीं पाता है सक्सेस। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है और मेरे ख्याल से सब लोग के साथ ऐसा ही होता होगा ऑलमोस्ट। तो फिलहाल तो अभी हम सोते हैं और जैसा भी अपडेट होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। हाँ मैं मिलूंगी आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।